स्वागत है बच्चों बच्चों, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो क्लास टेंथ का एक मैथ का प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारे बच्चों को आसान लगता है लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है अगर वो बेसिक नहीं समझ पाए तो इसलिए बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास टेंथ में, अगर आप जाने वाले हैं या क्लास टेंथ में हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365, 365 हो जिसका कि, ठीक है ना। अब देखिए, आपको मैं इसके नीचे भी आप नहीं देखिएगा क्योंकि इसके नीचे सॉल्यूशन है, इसके नीचे आपको मैं समझाऊंगा तब आप देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर का बोल रहा है क्या करना है, दो नंबर लेना है, ठीक है ना। तो पहला नंबर लेंगे हम लोग x और दूसरा नंबर लेंगे हम लोग x प्लस वन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ले लेंगे x और फिर x प्लस वन। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है x और x प्लस वन। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होज स्क्वायर इफ 365, दोनों का स्क्वायर करना है हमको, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कितना के बराबर है, 365 के बराबर है, ठीक है ना, 365 के बराबर है। ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का सम, ठीक है ना। तो दोनों का सम 365 के बराबर है, तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो पहला एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दूसरा आएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स की जगह पर आप एक्स है, प्लस वन की जगह पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि फार्मूला आप जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो उसी तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 365। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364 इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा कैसे हुआ, ऐसे हुआ बच्चों कि वन को मैंने उधर ले गया तो 364 हो गया, और 365 को इज इक्वल टू के इधर ले आया तो माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। 2x एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर दो बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x हो जाएगा ये वाला 2x, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 कैसे आया, ये ऐसे आया बच्चों की इसमें से एक्स स्क्वायर जो है और 2x जो है इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने के बाद इससे 264 से क्या किए हैं, डिवाइड हो गया 2, तो 2 डिवाइड हो गया तो 182 बचा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कैसे आया इसको समझना होगा। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पर बैठ रहा है, क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर और एक्स है और माइनस 182 है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, क्वाड्रेटिक लगाना है। तो क्वाड्रेटिक लगाने के लिए आप लोग को क्वाड्रेटिक का चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम कमेंट करके बताइएगा क्वाड्रेटिक का आपको पढ़ना है अगर, तो मैं बताऊंगा आप लोग को पूरी डिटेल में क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्वाड्रेटिक आपको आता है या नहीं, अगर आपको आता हो क्वाड्रेटिक तो ये आप समझ पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 14x से कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे और इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें से 13 कॉमन ले लिए और इसमें से एक्स कॉमन ले लिए, तो इसका आ गया एक्स माइनस 13 और इधर आ गया एक्स प्लस 14। उसके बाद आइदर इस तरह एक्स प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 13 इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स बराबर माइनस 14 और एक्स बराबर प्लस 13। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव फॉर एक्स कैन बी 13 ओनली। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दिया गया तो एक्स माइनस 14 कभी नहीं लेंगे, एक्स प्लस 13 लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग माने क्या थे, एक्स पर एक्स माने थे और एक्स प्लस 1 माने थे, ठीक है ना। तो एक्स आ गया आपका 13 जो कि ये रहा, और
14 आ जाएगा, x प्लस वन क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 14 दूसरा है, ये 14 दूसरा है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 13 और 14 हम लोग का दो कंसेक्यूटिव इंटीजर था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और बताइए कमेंट करके क्या कौन से क्वेश्चन और क्यों कौन से सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन चाहते हो, तो मैं उसी तरह का क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।